हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट मार्केट में आपका स्वागत है। मेरे स्टोरी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए कंटेंट मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में, लेसन 12, हाउ टू मेजर योर कंटेंट मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि अपनी कंटेंट विपणन को प्रभावशीलता से कैसे मापें, आज के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले कुछ की पॉइंट्स, और आज का हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि कंटेंट मार्केटिंग हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, हम किस प्रकार की इफेक्टिव तरीके से कंटेंट मार्केटिंग को मेजर कर पाएंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी। इसी तरीके से साथ में हम ये चीज भी समझने वाले हैं कि कंटेंट मार्केटिंग में हमारी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर पाएंगे, किस प्रकार से हमें मेजर करना चाहिए और कैसे हम इसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे किस तरह के हम KPIs फॉर कंटेंट मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स का किस तरह से हम कंटेंट मार्केटिंग में यूज कर पाएंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको 8 मैट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। तो इन सभी को कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। फर्स्ट है, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर कहा जाता है कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज पे, जो रिवॉल्व होती है अराउंड दिस सिंपल होती है, बट एक्टिविटी जो होती है ना पूरी तरीके से ब्रांड को मैसेज तक पहुंचाने के लिए, एक ब्रांड की मैसेजिंग करवाने के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। कंटेंट मार्केटिंग एक ट्रेंड्स बन चुका है आज के टाइम पे, जो एक बड़े एंगेजमेंट लेके आता है, एक ब्रांड की अवेयरनेस लेके आता है, और एक सही फनल्स के हिसाब से लोगों के साथ में कन्वर्सेशन को क्रिएट करता है और एक नई कन्वर्सेशन यहाँ पे क्रिएट की जाती है। अगर कहा जाता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में अगर इफेक्टिव तरीके से आप फनल्स बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग को समझना होगा कि कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है और किस तरह से हमारे ब्रांड में हम अवेयरनेस ला सकते हैं, एंगेजमेंट ला सकते हैं, जिसके थ्रू नए नए यूजर्स, नई नई ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट हो पाएगी। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पे बात करी, अब पता करते हैं कि हाउ टू मेजर योर कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस, यानी कि हम किस प्रकार से अपनी कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप फिगर आउट करते हो, अपने कंटेंट को एंगेज करते हो, कि सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि आपका मेन पर्पस बिहाइंड क्या है, आपका पर्पस बिहाइंड क्या है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर, किस तरह से आपका अपना बिजनेस गोल बना हुआ है, उस हिसाब से कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी होगी और उसी के बारे में आपको समझना होगा। तो चलिए, हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होगी इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्टली होता है रेवेन्यू। एज ए कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहली चीज यही होती है कि किस तरह का रेवेन्यू आ रहा है, आपका गोल एवोसियस किस प्रकार से है, आपका यहाँ पे देखना होगा, आपको मेजर करना होगा कि अल्टीमेटली आपने जितने अपनी कंपनी को सक्सेस तक ले जाने के लिए कितना आरओई यहाँ पे आपने लगाया, उसका आरओई कितना निकला है, नहीं निकला, कितना कंट्रीब्यूट आपने करा है, उसका रेवेन्यू आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ब्रांड अवेयरनेस की बात करें, एज ए कंटेंट मार्केटिंग स्पेशली रिलेटेड होता है कस्टमर लॉयल्टी के लिए और एक यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड तो करता है। अब ये स्ट्रेटेजी जो होती है ना पूरी तरीके से इंटेंशन होती है, डिफरेंटेशन तरीके से और बढ़िया तरीके से यहाँ पे बहुत बढ़िया इंप्रेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी ब्रांड अवेयरनेस किस प्रकार से, जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग क्रिएट करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से अवेयरनेस लेके आते हो ब्रांड की, तो कितने लोगों तक स्पेसिफाई कंटेंट मार्केटिंग आपकी हो रही है, किस प्रकार से आपका कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है मेजर करने के लिए किस तरह की लॉयल्टी या रिटेंशन होनी चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप जो होती है पूरी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग से ही आती है, और इस चीज को आपको अपनी आंखों में भी देख लेना है किस प्रकार की एक्टिविटीज हमारे ऐसे कंटेंट मार्केटिंग में हो रही है, किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, मैट्रिक्स क्या हो सकती है इस पॉइंट की। और साथ ही साथ ये सभी चीजें आपको समझनी होगी, एक सही स्ट्रेटजी को बनाना होगा जिसके थ्रू आप एक इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ एक एक्टिपिकल कंटेंट लोगों को दे पाओ, जिसके थ्रू लोग ज्यादा एंगेज कर पाओगे और साथ ही साथ आपका काम जो है लॉयल्टी के साथ साथ रिटेंशन बढ़ने लगेगा। तो इन सभी चीजों को आप इजीली तरीके से मेजर कर पाओगे और एक कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस को देख पाओगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि और किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग को और कौन से कंसाइडर होते हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट या एंगेजमेंट का हम बोल सकते हैं, सोशल मीडिया एक हार्ट हो चुका है कंटेंट स्ट्रेटजी का। ये सिंपल वे में कंटेंट शेयर कंटेंट करने का नहीं रह गया, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट जो है ना कंटेंट मार्केटिंग से आ रही है, और कन्वर्सेशन जो कस्टमर और बिजनेस के बीच में दिया गया, साथ ही साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज बन जाती है कि किस प्रकार का हमारे कंटेंट के थ्रू एंगेजमेंट आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया लीड्स आनी चाहिए, जिसके थ्रू आप कंप्लीटली समझ पाओगे कि आपकी कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस में किस प्रकार से लीड हो रही है, और ये मार्केटिंग लीड डिफाइन करती है आपके रियल कंटेंट को, किस प्रकार से आपने अपनी कंपनी के और कस्टमर के बीच में किस प्रकार से आपने यहाँ पर एक सही कंटेंट या लीड्स बनकर यहाँ पे क्रिएट की, और क्वालिटी नंबर ऑफ लीड्स किस प्रकार से आई, ये सभी चीजें की इंडिकेटर्स होता है जिसके थ्रू आप एक बढ़िया फनल एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हम मेजर कर पाएंगे हमारे कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस में। तो अब यहाँ पे हम बात करने
वाले हैं केपीआई फॉर कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स आखिर में क्या होते हैं कंटेंट मार्केटिंग के, तो इनको हम समझ लेते हैं इन ऑर्डर टू मीट अगर हम अपने गोल्स को लेके चलते हैं, और साथ ही हम फाइंड आउट करते हैं कुछ ऐसी अप्रिशिएट की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स को जो हमारे मार्केटिंग गोल्स को मेजर तो करती है और साथ ही साथ एक सक्सेस फैक्टर तक हमें ढूंढने में हेल्प करती है। तो हमें कुछ गैप्स को फिल करने होते हैं और फाइनली ऑप्टिमाइज करना होता है एक सही स्ट्रेटेजी को, तो ये की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ आपको सजेस्ट करने वाला हूँ केपीआई जो आपकी मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी रिवेन्यू में आपके किस प्रकार से सेल्स हुई, कितने सब्सक्रिप्शन आपके हुए, और अगर आपका एज ए डिजिटल प्रोडक्ट है किस प्रकार से डाउनलोड हुई, ये सभी चीजें आप इजिली तरीके से की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अब बात आती है अवेयरनेस या ब्रांड अवेयरनेस की, जिसमें आप देख पाओगे कि नंबर ऑफ विजिटर कितने आए, आपके पेज व्यूज कितने हुए, वीडियो व्यूज कितनी हुई, एक्टिविटीज कितनी हुई आपके सोशल नेटवर्क्स पर, अपने इन ऑडियंस की, ये सभी चीजों का आप मेजरमेंट कर पाओगे। और साथ ही साथ लॉयल्टी रिटेंशन की हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखना होगा कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब कराए, और किस तरह का आपका न्यूज़लेटर लोगों को देख पा रहे हैं, और किस प्रकार से आपके पेज पर वो कितनी देर तक रुक रहे हैं, और बाउंस रेट कितना आ रहा है, यानी कि एक ही ऑडियंस बार बार कितनी बार आ रही है। इस प्रकार के की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि हमारा कॉन्टेंट या हम जो भी एज ए प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं वो पूरी चीजें एज ए हमारे की इंडिकेटर्स पर काम करती है। अब कमिटमेंट एंगेजमेंट की हम बात करें तो कुछ सोशल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि शेयर करना, रिट्वीट करना, या ब्लॉग पे कमेंट्स आना, ये सभी चीजें कमिटमेंट, आप इनके थ्रू एंगेजमेंट ला सकते हो। एक बढ़िया चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि अगर आप किस प्रकार का भी कंटेंट यहाँ पे देते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज रिलेटेड, और यहाँ पे नई नई ऑडियंस आती है, सोशल क्यूज पे बात करती है, लाइक्स करती है, शेयर करती है आपके कॉन्टेंट को, तो आप यहाँ पे की इंडिकेटर समझ जाओ कि आपका कॉन्टेंट कितने लोगों को पसंद आ रहा है और किस प्रकार के आपके कॉन्टेंट के हिसाब से ब्लॉग के कमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात जाती है कि हम की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स की हेल्प तो ले ही रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ, तो आपको यहाँ पे लीड्स की भी हेल्प लेनी चाहिए, जैसे न्यू लेटर सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से आ रहा है, आपके ईमेल फॉर्म किस प्रकार से लोगों के सामने शो हो रहा है, कन्वर्सेशन रेट कितना आ रहा है उस चीज से, तो इस तरीके की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स का हमें यूज करना चाहिए जो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करती है, मेजरमेंट तरीके से काम करती है, इनोवेट से लेकर प्रोपोगेट तक हर एक चीज हमें की इंडिकेटर्स हम बोल सकते हैं, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसे एट मैट्रिक्स जिसके थ्रू हम कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रखे। कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट अगर हम कंटेंट में करते हैं तो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें अपने ट्रैफिक और लीड्स और रेवेन्यू के हिसाब से देने लगता है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जानना जरूरी आती है कि किस तरह का हम कंटेंट यहां पर दे रहे हैं। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मैट्रिक से साइट ट्रैफिक। अक्सर आपने नाम सुना होगा साइट ट्रैफिक, तो यहां पे कहा गया है कि टू ट्रैफिक योर वेबसाइट इज प्राइमरी इंडिकेटर फॉर हाउ योर कंटेंट इज परफॉर्मिंग, यानी कि अगर आप साइट ट्रैफिक की हेल्प लेते हैं तो वेबसाइट होती है प्राइमरी इंडिकेटर, हमें देता है कि आपका कंटेंट किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, कैसे करेगा, और साथ ही साथ ट्रैफिक किस प्रकार से अच्छी न्यूज ला सकता है, एज ए लॉन्गेस्ट आपका बाउंस रेट कितना बढ़ सकता है कि वेबसाइट पर, ये बहुत ही ड्रामेटिक होता है। साथ ही साथ बहुत से लोग जो नए टर्म्स का यूज करते हैं, साइट्स का यूज करते हैं, वो बाउंस रेट बढ़ाना चाहते हैं, अपने विजिटर्स का परसेंटेज लेके आना चाहते हैं जिसके थ्रू नेविगेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा उनके लोग आप पेज को देख सके। एक राइजिंग बाउंस रेट होता है जिसके थ्रू साइन किया जाता है होम पेज में, और साथ ही साथ अलग कंटेंट किस प्रकार से गुड है और किस प्रकार से होल्ड हो रहा है विजिटर के थ्रू, इसके थ्रू आप यहाँ पे चीजों को समझ पाओगे। इस मैट्रिक्स को फॉलो करके आप पॉपुलर टूल्स की हेल्प ले सकते हो, आज के टाइम पे साइट ट्रैफिक को आप समझने के लिए टूल्स की हेल्प ले सकते हो, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, मोमेंटो मो हो गया, या ओपन वेब एनालिटिक्स हो गया, या क्लिकी हो गया, इन सभी की आप साइट ट्रैफिक चेकआउट करने के लिए हेल्प ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स है सेकंड ऑन साइट टाइम। ऑन साइट टाइम की हम बात करें तो ये कंप्लीट एक सर्कल वेबसाइट विजिटर होती है जो ड्रॉपिंग करती है आपकी वेबसाइट को और एक ऑन वॉन्डरिंग की जाती है। ये ऑन साइट टाइम यानी कि ये बोल सकता है, मेजरमेंट करता है आपके एवरेज टाइम किस प्रकार से एक विजिटर के द्वारा साइट पर किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है, इसके थ्रू आपको हर एक चीज बताता है। और साथ ही साथ एक इंडिकेटर्स होता है जो हमारे कॉन्टेंट रिलेटेड हमारे वेबसाइट पर किस प्रकार से विजिटर का इंप्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सभी चीजें, और किस तरह से विजिटर हमारे पेज पर या हमारे कंटेंट पर ध्यान दे रहा है। इन सभी चीजों के साथ हमें ये भी चीज समझने को मिलती है ऑन साइट टाइम में कि हमारा पेज साइट जो है ना कितने लोग लोड हो रहा है, कितने टाइम में लोड हो रहा है। जैसे कोई पर्सन कुछ सर्च करता है हमारे ब्लॉग पर या फिर हमारे कंटेंट या वेबसाइट पर, तो किस टाइम में किस टाइम में लोड ले रहा है, ये सभी चीजें होस्टिंग ऑप्शन पर डिपेंड करती है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे कि किस तरीके का हमारा ऑन साइट टाइम भी जो है हमारे कंटेंट मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल हो जाता है। चलिए थर्ड मैट्रिक्स है मटेरियलाइजेशन ऑफ योर एसईओ एफर्ट्स। आप किस प्रकार से एक
रियलाइजेशन अपने एसईओ एफर्ट्स के लिए ला सकते हो। तो एनोथर पे में क्लियर मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कंटेंट स्ट्रेटजी को एक सही रिटर्न वे में एसईओ कर सकेंगे, जिसके थ्रू हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं, हमारी वेबसाइट को हम रैंकिंग कर पाएंगे और इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे एक सही तरीके से, और एक बढ़िया मेजर इफर्ट के साथ में हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारी साइट्स के कंटेंट को। ये एक इन्वेस्टिंग होता है कंटेंट को करने का, ऑप्टिमाइज करने का साइट पे, क्योंकि ये कंप्लीटली हम बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिकली तरीके से काम करता है एसईआरपीएस में, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, और हमें यहाँ पर एक ऑर्गेनिक इंगेजमेंट लेके आता है। तो हमें भी अपने एसईओ एफर्ट्स को लगाना चाहिए, मेटलाइजेशन करना चाहिए हमारे कॉन्टेंट मार्केटिंग में, जिसके थ्रू ज्यादा इफेक्टिव हमारा पेज भी सही तरीके से रैंकिंग कर पाएगा और ज्यादा लोगों तक हमारे पेज पर सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाएगी। अब चलिए फोर मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, जिसका नाम है ईज ऑफ कस्टमर जर्नी। ईज ऑफ कस्टमर जर्नी में कहा गया इफेक्टिव आपके कंटेंट के लिए होती है, साथ ही साथ किससे हम यहाँ पे इजीली तरीके से अपने ऑडियंस को रिसीव कर सकते हैं। तो आपके कंटेंट जो है पूरी तरह से कस्टमर जर्नी पे डिपेंड है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑडियंस ही डिसीजन लेगी कि उन्हें किस प्रकार से लीड में जनरेट होना है। तो इस चीज को आपको साथ हेल्प लेनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना कि आपका कंटेंट आपके ऑडियंस को किस प्रकार से सही कस्टमर जर्नी प्रोवाइड करवा रहा है, और किस प्रकार से आपका कंटेंट परफॉर्मेबल तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे कहा जाता है कंटेंट राइटिंग के एक्सपीरियंस से कि किस प्रकार से आप कंटेंट में ऑफर दे पा रहे हो। इंगेजमेंट करने के लिए हक फैक्टर होता है, सही चीज आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी होती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर कस्टमर के लिए कस्टमर जर्नी यहाँ पे बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। चलिए फाइव मेट्रिक्स है कस्टमर की मेजरमेंट करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग में, वो है रिटर्निंग विजिटर्स। अब आप चाहते हो कि हमारी साइट पर, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं हमारे कंटेंट पर विजिटर तो आ रहे हैं, बट हम चाहते हैं हमारा बाउंस रेट बढ़े या रिटर्निंग विजिटर्स आए, तो कैसे आएंगे। तो यहाँ पे बोला गया रिपीटिंग विजिटर्स जो होते हैं बैकबोन होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, यानी कि ये एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है आपकी वेबसाइट के लिए, और ये हायर रेट होता है जिसको हम आरवीवी बोलते हैं, यानी कि रिटर्निंग रेट रिटर्निंग विजिटर्स, जो आपकी वेबसाइट को परफॉर्मिंग तरीके से शो करता है और वैल्यूएबल विजिटर्स आपके कॉन्टेंट के लिए लेके आता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर तो आते हैं बट वो आपके कॉन्टेंट को नहीं समझ पाते और वो वहां से चले जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो विजिटर्स हमारे कॉन्टेंट या वेबसाइट पर आ रहा है वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर पाएगा, मेजरमेंट कर पाएगा, हमारे मैट्रिक्स को इस चीजों को हमें समझना होगा। और यहाँ पे सिंपल वे में हमें कैंपेन को क्रिएट करना होगा, जिसके थ्रू हम कंटेंट मार्केटर्स के साथ एफर्ट लगा पाएंगे और एक सही आरओआई यहाँ पर ले पाएंगे। आरओआई पूरी तरीके से रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके थ्रू हमारा कैंपेन हमने यहाँ पर टारगेट के हिसाब से सिलेक्ट करा है, नए नए कस्टमर्स के हिसाब से सिलेक्ट करा है, तो हमें 4 से 6 वाले कस्टमर्स को लेके आना चाहिए, जिसके थ्रू वो हमें कंप्लीटली एंगेज कर पाएगा हमसे और हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को इजीली तरीके से ले पाएगा। चलिए सिक्स मैट्रिक्स से ब्रांड अवेयरनेस एंड रेपुटेशन। ब्रांड अवेयरनेस में कहा गया है कि अगर आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को मेजर करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ब्रांड अवेयरनेस होना इफेक्टिव तरीके से मेजर इंडिकेटर्स काम करता है, और ये आपके कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी तरीके से परफॉर्मेंस भी करता है। साथ ही साथ कंटेंट मार्केटिंग इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट होती है, जिसके थ्रू हम वैल्यू एडिट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे ब्रांड इमेज को हम बूस्ट कर पाएंगे एज ए रिजल्ट पे अपने अवेयरनेस पे, जिसके थ्रू हम ज्यादा तरीके से ग्रो कर सकेंगे। हमारी ऑडियंस अगर हम बात करें रिकॉग्नाइज करती है हमारे ब्रांड को, अथॉरिटी को, जिसके थ्रू हमें रिलेवेंट इंडस्ट्रीज मिल पाती है, जिसके थ्रू हम सर्वे हो सकते हैं कि हमारा कंटेंट मार्केटिंग आरओआई किस तरह से काम कर रहा है, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस और ब्रांड के लिए किस प्रकार से रेफर हम ला दे सकते हैं, लीड्स दे सकते हैं और सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम अपने ब्रांड अवेयरनेस में ला सकते हैं, जिसका थ्रू आप कंप्लीटली यूज कर पाओगे और अपनी ब्रांड अवेयरनेस को एक 5 वेज ORM पर आप यूज कर पाओगे। जैसे कि फर्स्टली है मेक योर ऑन वेबसाइट इंप्रूवमेंट। आपको अपनी वेबसाइट को अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट लाना होगा और सही रैंकिंग करने के लिए एसईओ का यूज करना होगा। साथ ही साथ आपको अपने कंटेंट को पब्लिश करने के लिए एक इंडस्ट्रीज जर्नलिस्ट यहाँ पे देना होगा। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट यह जाता है ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आपको अपनी प्रोफाइल को भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते रहना है। साथ ही साथ फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि किस तरह से आप सिग्निफिकेंट अकाउंट कर सकते हैं पॉजिटिव रिव्यूज में, और इसके बाद आप लॉन्च कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वे में पॉडकास्ट एज ए ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे 7 मैट्रिक्स आ जाती है सोशल शेयर ऑफ योर कॉन्टेंट। किस तरह से आप सोशल शेयरिंग कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट की, तो बहुत से लोग कंटेंट को यहाँ पे इजीली तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैल्यूएबल बनाने के लिए बहुत सी चीजों का यूज करते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे नई वेबसाइट पर एंगेजमेंट लाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेपुटेशन लेके आना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ट्रैफिक लेके आना अपनी वेबसाइट पर और साथ ही साथ ज्यादा तरीके से लीड्स को जनरेट करना। आप एक पोटेंशियल कस्टमर चाहते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, तो आपको एंगेजमेंट लाने के लिए सही वे में मेजर करना होगा, मॉनिटर करना होगा आपकी कंटेंट मार्केटिंग परफॉर्मेंस किस तरह से काम कर रही है, और आपको ये सभी चीजों को मेंटेन करते हुए चलना होगा, जिसके थ्रू आपका ब्रांड कंटेंट यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, जब आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ तरीके से भी कंटेंट मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव वे में काम करती है।
नेक्स्ट एंड लास्ट है एट मैट्रिक्स पोटेंशियल ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉन्वर्सेशन रेट सेल्स। तो यहाँ पे कहा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक कॉन्वर्सेशन एलिमेंट से जाता है आपके ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके सिटीज के लिए यानी क्लिक थ्रू रेट के हिसाब से या क्लिक थ्रू एक्शन के हिसाब से यहाँ पर आप कॉन्वर्सेशन क्वालिफाइड लीड से यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इन्वॉल्व कर पाओगे, मेजर कर पाओगे कि कितने लोगों ने आपके ईमेल फॉर्म को साइन अप कराया ब्लॉग्स या बिजनेस के थ्रू, या कितने लोगों ने फ्री ट्रायल यानी कि ऑनलाइन टूल्स की हेल्प ली है, मेंबरशिप ली, ये सभी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हैं और परसेंटेज यूजर यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म किस प्रकार से फिल हुआ है। सिमिलर मैनर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपना परसेंटेज ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, कितनी सेल्स हमने डिटरमाइन करी थी उस हिसाब से हमारा कंटेंट परफॉर्मिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर एक डिफरेंट डिफरेंट वे में एनालिटिकल्स के हिसाब से मैट्रिक्स को देख के समझ सकते हैं। आई होप कि आपको कंप्लीटली इजीली तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम कंटेंट मार्केटिंग में मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में हम मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी समझा होगा कि किस प्रकार से हम केपीआई यानी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स की हेल्प लेके इजीली तरीके से अपने कंटेंट मार्केटिंग की परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आप जरूर इजीली तरीके से समझ गए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।